12 बजे करीब की तय भी करते हैं अभी तो, एकदम जैसे निकलेगा वैसे काम हो जाएगा। आपको कौन सा उसमें टाइम करना है? चक्रानी ने भी बड़ी मेहनत की थी। और कल्पना ही ने उसकी सेवा भी की। कल्पना ही ने बीमारी बताई आप आए हैं उससे कौन दुखी है ना जाओगे। अरे गाड़ी अटवा रहे फिर बात धुलाई कर दो भाई भवन आप मेरे से नाराज हो रहे थे। डॉक्टर सियार राव साहब फिर चले हैं? अच्छा है सर है। दस पांच के शर्ट रहे हो गए क्यों हो गए सर? नमस्कार, एक बार जरा अनाउंस कर दीजिए। 10:05 पे शुरू करेंगे। 10:05 पे मैंने बोल दिया सर, 10:05 पे ही एग्जैक्ट स्टार्ट करता हूँ। 10:05 पे करता हूँ। डॉक्टर सी आर रावत साहब क्या बात हो रही है? हाय सर नमस्कार। आइए सर। हेलो जी आइए सर। नमस्कार। अच्छा ये आलोक साहब थे वो? सर नमस्कार। राव साहब नमस्कार। थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाती है पिक्चर तो एकदम पहचान में नहीं आती। अब सर छोटी होती है ना ये पिक्चर तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है। नहीं आप अरे सर नहीं सर लैपटॉप का जो कैमरे की क्वालिटी है वो एक्चुअली क्या होता है थोड़ी अच्छी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी मोबाइल की आजकल हो रही है। मोबाइल की कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है। अब ये मेरा मोबाइल में थोड़ा सा क्रैक पड़ गया है जहाँ पर कैमरा है तो उसकी वजह से गालिब का कि धूल आईने पे थी मैं सूरज साफ करता रहा। सही बात कही है। सही बात कही है तुमने संदीप। बहुत बढ़िया बात कही है। तो सर के कैमरे पे वो है ब्लरिंग उसको साफ करवाएं? नहीं मैं तो कह रहे क्रैक आ गया। क्रैक आ गया है। क्रैक आ गया लेकिन सर क्रैक वाली चीज हिंदू सभ्यता में यूज नहीं की जाती है। फेंक दी जाती है। फेंकने की जगह बता देना बस। बॉस का उठा लेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ डॉक्टर यूसिकर साहब भी आ चुके हैं। डॉक्टर सी आर रावत साहब हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। इट इज द टाइम टू स्टार्ट द 6th एडिशन ऑफ जनसंवाद। जैसा आप लोगों को पता है जनसंवाद में हम लोग लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। एक बहुत ज्यादा मांग थी कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम लोग कुछ सोचें। इसीलिए आज मैंने रिक्वेस्ट डॉक्टर यूसी गर्ग साहब से करी थी कि वो आके कुछ जनता संवाद में कुछ अपना एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताएं। तो अब आज का जनसंवाद चालू करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर पचौरी साहब से कि वो काइंडली स्टार्ट करने की परमिशन दें। थैंक यू सर डॉक्टर रविंद्र पचौरी साहब। धन्यवाद डॉक्टर संजय। जैसा हम देख रहे हैं कि संक्रमण प्रसार में है, बढ़ रहा है और अभी हम लोग पीक पे नहीं पहुंचे हैं। पीक पे पहुंचेगा संक्रमण, उसके बाद डिक्लाइन होगा। एक साइन कर्व होता है। दिल्ली सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी करे गए हैं वो बहुत भयावह हैं और डराते हैं।
लेकिन अगर हम जस्ट एक एक मिनट दे, मैं म्यूट ऑल कर देता हूं क्योंकि किसी की आवाज आती रहेगी नहीं तो बैकग्राउंड में, मैं म्यूट ऑल करता हूं, फिर दोबारा से आप लोग जो बोले वो केवल खोल सकते हैं, को होस्ट हैं सबके सब। सर थैंक यू डॉक्टर प्रवीण पोचारी साहब, आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रावत साहब को और उनको यूसीकर साहब को बाद में आप अनम्यूट खुद कर सकते हैं सर आप लोग। थैंक यू डॉक्टर संजय, थैंक यू डॉक्टर संजय। जैसा हम लोग देख रहे हैं कि संक्रमण प्रसार पे है और हम लोग पीक पर नहीं पहुंचे हैं, ये एक साइन कर्व होता है, पहले हमारा जो संक्रमण है वो पीक पे पहुंचेगा, उसके बाद ये डिक्रीज होना शुरू होगा। ऐसे में हम लोगों को जान भी और जहान भी इस फॉर्मूले पे चलना है, तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जैसा मैं बार बार हर बार कहता हूं कि इसका प्रिवेंशन ही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि इसके लिए कोई दवा नहीं बनी है और अभी वैक्सीन बनने में काफी समय है, तो हम लोगों को अगर रोकना है, अपने आप को बचाना है इस बीमारी से, तो हमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सिंपल, पहला है SMS प्रोटोकॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग, हम जहां भी जाएं अगर एक से अधिक व्यक्ति है तो हम उससे उचित दूरी बना के रखें। दूसरी चीज है मास्क, मास्क में कोई कंफ्यूजन वाली चीज अब नहीं है, ये क्लियर हो चुका है कि ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क उतना ही इफेक्टिव है जितने हम और महंगे फैंसी मास्क उपयोग करते हैं। तो ट्रिपल लेयर कपड़े का मास्क जिसको हम आसानी से धो सके अपने घर के अंदर और दोबारा उपयोग कर सके, शायद ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कवच होगा। तीसरी चीज है सैनिटाइजेशन, बहुत ज्यादा अल्कोहल बेस्ड महंगे सैनिटाइजर्स की जरूरत नहीं है, हमें हाथों को अपना उचित सफाई रखनी है, और ये देखा गया है वैज्ञानिक रूप से कि अगर हम अपने हाथों को निरंतर दिन में 10 बार धो लेते हैं तो संक्रमण की रफ्तार 1/3 कम हो जाती है। तो हम लोगों को इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपनी जान भी और जहान भी का को अचीव करना है टारगेट को। जब हम बहुत ज्यादा लॉकडाउन से दौरान में गुजरे हैं तो हमारे को कुछ मानसिक परेशानियां होती हैं, क्योंकि हमारी दिनचर्या बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमें अनिश्चितता और डिप्रेशन ये सब चीजें आ सकती हैं, क्योंकि कारोबार और काम करने का तरीका सब चीजें चेंज हो चुकी हैं। इसीलिए IMA ने आज पहल लेते हुए शहर के मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर यूसी गर्ग को इस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने हम लोग लाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी परेशानियां हों, वो आप डॉक्टर CR रावत जो कि एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और फिजिशियन हैं, और डॉक्टर यूसी गर्ग, उनसे बेबाक आप पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। मैं अधिक नहीं बोलना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप ज्यादा क्वेश्चन पूछें और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करें। डॉक्टर संजय चतुर्वेदी प्लीज। थैंक यू सर। अब हम लोग शुरू करते हैं डॉक्टर CR रावत के साथ। डॉक्टर CR रावत, हम लोगों को कोरोना जो अब तक के हम लोगों की जानकारियां हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे। डॉक्टर CR रावत सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय चतुर्वेदी। मैं सबको नमस्कार करता हूं। डॉक्टर रावत कार्डियोलॉजिस्ट हूं आगरा हार्ट सेंटर पर, और IMA आगरा द्वारा आयोजित कोरोना महामारी पर जो जन संवाद कार्यक्रम किया गया है उस सब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं IMA आगरा का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे आप सबके सामने उपस्थित होकर कोरोना महामारी के बारे में अपने विचार उपस्थित करने का अवसर प्रदान किया है। मैं यहाँ पर डॉक्टर रवि पचौरी जो प्रेसिडेंट IMA आगरा के हैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करता हूँ जिन्होंने अपने विजन से इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया, तथा मैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जो हमारे कर्मठ सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर शम्मी कालरा जो सोशल कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके उन सबके अथक प्रयासों को बहुत अथक प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित ही यह प्रयास जन उपयोगी सिद्ध होगा और जो जनता में बहुत भ्रांतियां हैं भय है उन सब का निवारण करने में अच्छा सिद्ध साबित होने वाला है।
कि कोरोना वायरस है क्या, कोरोना महामारी तो है पर ये वायरस क्या होता है। वायरस एक छोटा सा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, इट इज एक न्यूक्लिक एसिड होती है जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की एक परत होती है। इस ग्लाइकोप्रोटीन परत के कारण जो है अंदर न्यूक्लिक एसिड दबा रहता है। ये इतना छोटा कण होता है जो कि आंखों से, नंगी आंखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम इसको देख सकते हैं। इसमें खास बात और है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की श्रेणी है ना, तो ये इसको हम कह सकते हैं कि लिविंग है ना ही कह सकते हैं नॉन लिविंग। तो क्या किस प्रकार की चीज, जब ये शरीर के बाहर होता है तो नॉन लिविंग, और जैसे ही ये शरीर के अंदर जाता है ये इसमें एक लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। और ये दो प्रकार के वायरस होते हैं, एक आरएनए और डीएनए। जो हमारा जिस वायरस के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं वो कोरोना वायरस आरएनए टाइप का वायरस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये गोलाकार नजर आता है और अलग अलग तरीके के गोल हैं, पॉलीमॉर्फिक भी होते हैं, कोई छोटा गोला, कोई बड़ा गोला, कोई अंडाकार गोला, और इसमें से कांटे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन के पार्टिकल्स निकालते हैं। जैसे हमने धतूरा देखते हैं हम लोग, धतूरा जो शिव जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, बिल्कुल उस तरीके का एक फल नुमा ये कोरोना वायरस है। और ये जो कण होते हैं, जो कांटे होते हैं, उसके जरिए शरीर से अटैच करता है, कोशिकाओं से अटैच हो जाता है और उसके जरिए कोशिकाओं के अंदर पहुंचता है, वहां पर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। जब वो सेल के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो उनको डिस्ट्रॉय करता है, और जब वो सेल फटते हैं तो फिर ये हजारों की संख्या में अब हमारे एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, तो इस तरीके से एक संक्रमण पैदा करते हैं। तो कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है, बड़ी अजीब सी चीज है, जो कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों के बीच की श्रेणी है, और शरीर के बाहर नॉन लिविंग, शरीर के अंदर लिविंग, और शरीर के अंदर पहुंचते ही ये अपनी चालबाजी दिखाना शुरू करता है, मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, एक तरीके का पैरासाइट बन जाता है, सेल का पूरा जो प्रोटीन है, लिपिड्स है, उनका कंजम्पशन करता है और इतना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा उसकी संख्या बढ़ जाती है कि उस सेल को रप्चर करके वो बाहर निकल जाता है, फिर दूसरे सेलों को इन्वेड करता है। तो एक तरीके की इसने महामारी उत्पन्न कर रखी है। आज की तारीख में विश्व में करीब 74 लाख केसेस, तकरीबन 74 लाख केस संक्रमित हैं, और भारतवर्ष में ही करीब 2,76,000 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है, इसी संख्या के जो बढ़ने का वो है उसी की वजह से आज ये जनसंवाद हम लोगों ने यहाँ पर आईएमए द्वारा रखा गया है, और जिसमें विशेषज्ञ आप लोगों को सबको बताएंगे भाई क्या चीज है कोरोना वायरस से, कैसे बचाव होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक राहत की खबर देना चाहूंगा। आज पहली बार हिंदुस्तान के अखबारों में निकला है कि जो संक्रमित लोग हैं उनसे ज्यादा आज ठीक होने वाले लोगों की संख्या है हिंदुस्तान में। 2,76,000 में से 1,35,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं इस बीमारी से। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दफे कोरोना हो गया तो ठीक होंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक जरूर होंगे और ज्यादातर लोग ठीक होते हैं। अब ये फैलती कैसे, क्यों है इतना ज्यादा फैल गई है, और किस क्या इसका फैलने का रास्ता है। दो तरीके से ये फैलती है, एक तो ड्रॉपलेट स्प्रेड, ये नाक के अंदर जो म्यूकस होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, वहां पर संक्रमित होता है कोरोना वायरस, और यहाँ का जो रस होता है, जो सीरम होता है या सीरस फ्लूइड होता है, जब भी कोई इंसान खांसता है या छींकता है तो एक छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं, माइक्रोस्कोपिक बुलबुले जिनको हम लोग ड्रॉपलेट्स कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर में फैलते हैं, और जो भी व्यक्ति उनको अपने शरीर के अंदर लेता है सांस के जरिए, मुंह के जरिए, या जैसे ये ड्रॉपलेट्स जो बुलबुले हैं आपके शरीर पर कहीं बैठ गए, फिर आपने उस पर हाथ लगाया, फिर आंखों में हाथ लगाया, नाक पे हाथ लगाया या जुबान पर हाथ लगाया, तो उसके जरिए म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फेक्ट हो जाती है और वहां पहुंच जाती है। तो ये ड्रॉपलेट स्प्रेड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके जरिए ये काफी तेजी से फैलता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, जैसे मैंने अभी ये भी बताया कि ड्रॉपलेट्स जो है कहीं टेबल पर गिर गए, किसी ने छांका, आपके छींका और आपके टेबल पर वो ड्रॉपलेट्स के कण गिर गए, आपने वहां किसी वजह से हाथ रखा, तो वही हाथ से आपने हाथ लगाई, चेहरे पर हाथ लगाया, तो वहां से वो संक्रमित कर सकता है आपको। या किसी ने संक्रमित व्यक्ति ने जो है आपके दरवाजे के नॉब पर छींका, या उसका हाथ संक्रमित था, उसने नॉब को टच किया, फिर वही नॉब आपने टच किया,
तो आपका हाथ संक्रमित हुआ और आपने वो हाथ चेहरे पर लगाया, कहीं ऐसे मेम्ब्रेन पर लगाया जहां से वायरस अंदर जा सकता है, तो वो आपको संक्रमण पैदा कर सकता है। तो ये दो जरिए मैंने बताए, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। आगे हम बताएंगे किस तरीके से इन दोनों को रोका जा सकता है, पर इससे पहले मैं आपको लक्षण बताना चाहूंगा। 50-60% से भी ज्यादा लोगों को लक्षण होते ही नहीं, संक्रमित हो गए मालूम नहीं पड़ा, चल रहा है गाड़ी चल रही है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम बदन दर्द खांसी सांस में फूलना ये होता है, कुछ लोगों को पेट में दर्द मरोड़ उल्टी दस्त ये भी होती है, और कुछ लोगों को घबराहट चक्कर या सर आवाज चली गई आपकी डॉक्टर रावत, आपकी आवाज चली गई है। ये कभी बीच में कॉल या मैसेज आने से म्यूट हो जाता है वो, फिर वापस म्यूट नहीं होता वो। नहीं वो शायद कोई आ गया होगा, बाकी लोग को कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। तो कैसे डायग्नोसिस कैसे करें? डायग्नोसिस का तरीका एक तो यही है, भाई लक्षण आपके ऐसे हो रहे हैं कि सभी जुकाम हो रहा है बदन दर्द है, तो आप डॉक्टर संपर्क करें, डॉक्टर आपसे कहे कि भाई ये हो सकता है और टेस्ट कराएं, और या फिर आप किसी पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में रहे हो पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर, या ग्रीन जोन में रहे हो, या किसी विदेश से लौटे हुए किसी आदमी से संपर्क में आए हो, तो ऐसे केस में ये जो लक्षण भी होते हैं अगर, तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको कोरोना के लक्षण है। और ऐसे में डॉक्टर से जब आप संपर्क करेंगे तो या तो वो कोविड टेस्ट कराएगा या RT-PCR के लिए एडवाइस करेगा, उसकी एडवाइस पर ये टेस्ट करा लेने चाहिए। और अगर कोरोना पॉजिटिव आता है तो डरना नहीं चाहिए, 90% से भी ज्यादा लोग ठीक होते हैं, उसके डॉक्टर की राय मान के जैसा भी हो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस चेंज होती है वैसा ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। अब हमारे पास उपचार क्या है कोरोना? उपचार में सबसे पहले आता है आइसोलेशन। जैसे ही मालूम पड़ता है भैया किसी को कोरोना है तो सबसे पहले उसे समाज से अलग किया जाता है, जिससे कि वो और किसी को संक्रमित ना कर सके, अपनी बीमारी को और लोगों में ना फैला सके। दूसरा आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे जैसे कोई भी अगर कोई तकलीफ नहीं है तो भाई रेस्ट कर रहा है आइसोलेशन में है, रेस्ट कर। अगर कोई तकलीफ है जैसे दर्द है बुखार है खांसी है जुकाम है तो दर्द का इलाज पैरासिटामोल से करे, खांसी है तो खांसी का कोई भी सिरप ले, सांस फूल रही है तो थियोफाइलिन की टैबलेट्स दी जाती है, उल्टी है दस्त है तो उल्टी रोकने की दवाई दस्त रोकने की दवाई, सांस का फूलना है शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की थेरेपी दी जाती है, वेंटिलेटर लगाया जाता है। बहुत कम लोगों में इसकी जरूरत पड़ती है, तो जरूरत पड़ती है तो ये किया जाता है। जो खास दवाइयां हैं वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट है, और अभी इन सबके ट्रायल चल रहे हैं, कोई ऐसी एक एंटीवायरल अभी तक निश्चित नहीं हुई है जिसकी वजह जिसको हम कह सकें कि ये ट्रीटमेंट है। प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही है जो एंटीबॉडीज होती है और उन पेशेंट्स में से ली जाती है जिनको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और जिनके अंदर प्रतिरोधक शक्ति होती है, और प्रतिरोधक शक्ति होती है एंटीबॉडीज के रूप में, तो उनकी ये प्लाज्मा निकाल के और जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं उनमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है, और उम्मीद की जाती है कि ये पेशेंट्स ठीक होते हैं, कई पेशेंट्स ठीक भी होते हैं। और सीरियस पेशेंट्स का इलाज है, हर कोरोना के पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी नहीं। तो ये उपचार में हमारे पास आइसोलेशन है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और ये कुछ खास दवाइयां हैं, और अगर देखा जाए ओवरऑल कोई खास ट्रीटमेंट नहीं। तो जब कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है तो बेटर ये है कि हम इसका बचाव करें, इसके बचाव ही इसका ट्रीटमेंट है। और बचाव के लिए कैसे हम बचें, तो अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया ही था SMS करके एक बात है, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, फर्स्ट जो एस है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा मास्क और तीसरा सैनिटाइजेशन। सोशल डिस्टेंसिंग से क्या मतलब है कि आप घुले मिले नहीं लोगों से, जैसे मॉल में जाना जहां भीड़ है, या रेलवे स्टेशन पर जहां भीड़ है, एयरपोर्ट पर जहां भीड़ है, बाजारों में जहां भीड़ है, उस जगहों से बच के रहें, बाहर न निकलें, और अगर जरूरी पड़ता है तो कम से कम 2 व्यक्तियों के बीच का डिस्टेंस 1.5-2 मीटर के बीच में होना चाहिए, उससे पास किसी के ना जाए, कौन जाने को दूसरा संक्रमित है या नहीं। और अपने मोबाइल में
जो आरोग्य सेतु ऐप है वो जरूर डाउनलोड करें, उससे भी आपको चेतावनी मिलती रहती है कि फलाना आदमी कोरोना पॉजिटिव तो नहीं, आप किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के आसपास तो नहीं घूम रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग, अगर आप दूर रहेंगे कोरोना के लोगों से तो संक्रमित होने के चांसेस आपके कम। ये पहला बचाव का तरीका है। दूसरा है आप अपने आप को ढक के रखें। ढकेंगे कैसे? अपना चेहरा ढकेंगे मास्क के जरिए, अपना अगर डॉक्टर है या कोई नर्सिंग स्टाफ है या मेडिकल वो है तो अपने बॉडी को भी आप ढक सकते हैं पीपीई पहन के, फिर हाथ में ग्लव्स पहने। और सामान्य जन के जनता के लिए तो ये है कि भाई अपने जो कपड़े पहनते हैं उनको बार बार बदलें, उनको धोएं और साफ कपड़े पहने, दिन में कम से कम 2-3 बार कपड़े बदलें। अगर आप बाहर जा रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं और मास्क जो है वो जरूर लगाएं, घर में लगाने की कोशिश करें, पर हाँ घर से बाहर जब भी निकलते हैं तो मास्क पहन के जरूर निकलें, ये कानून भी है और आपका बचाव भी है। तीसरा है सैनिटाइजेशन। आपको दिन में बार बार अपना हाथ धोना पड़ेगा, जब भी आपको लगता है कि हाथ गंदे हो गए हैं या किसी संक्रमित स्थान को आपने छुआ है तो आपको अपने हाथ धोने पड़ेंगे, साबुन से धोइए अथवा सैनिटाइजेशन करिए जिसमें सैनिटाइजर यूज करिए जिसमें अल्कोहल खासतौर से इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया कोरोना के ऊपर जो कांटेनुमा धतूरा का जो कांटा सा निकलता है वो होता है, वो अल्कोहल इन कांटों को घोल देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये कोरोना का वायरस कहीं चिपक नहीं पाता, हमारे शरीर से चिपक नहीं पाता और वहीं की वहीं वो गिर जाता है और बॉडी से अलग हो जाता है, साफ कर सकते हैं उसको आराम से। तो इसलिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं और इससे हमारा बचाव हो सकता है। और ये जो SMS है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पहनना और सैनिटाइजेशन, ये न केवल बचाव एक उपचार का भी तरीका बन सकता है। और उपचार और बचाव हम कैसे कर सकते हैं? तो ये तो हमने अपने आप को उनसे रोका, अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपनी इम्यूनिटी कैप बढ़ाएं, अपनी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं। अब ये प्रतिरोधक शक्ति कैसे बढ़ सकती है कि हम खुली हवा में सांस लें, खुले मैदान में रहें। अगर हम कमरे में बैठते हैं तो खिड़कियां खोल के रखें, AC का कम प्रयोग करें, कूलर का कम प्रयोग करें, और AC चलाते भी हैं तो कोई ना कोई खिड़की अवश्य खोल के रखें जिससे कि हवा का आवागमन होता रहे। फिर रेगुलर एक्सरसाइज है, जैसे योगा है, वॉकिंग है, कार्डिक एक्सरसाइज वर्कआउट्स है, वो रेगुलर करते रहें, इससे आपकी ताकत भी बनी रहती है और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। फिर आपकी डाइट भी अच्छी होती है, डाइट में वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी आती है, प्रोटीन्स हैं और विटामिन्स हैं, इन सबकी प्रचुर मात्रा में डाइट में जरूर इनका सम्मिलन होना चाहिए। भारत के आयुष मंत्रालय ने कुछ जड़ी बूटियों का भी किया है और उसमें तुलसी, गिलोय, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, इलायची, इन सब का प्रयोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग में लाने के लिए बताया गया है। और उन्होंने कुछ वो बनाई भी है जिसे आयुष कफ कहते हैं, तो उसका भी प्रयोग किया जाता है। ये भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय ने जारी किया है जिससे प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। कितना कोरोना को रोकती है या ठीक करती है इसका कोई वो नहीं है, पर हाँ प्रतिरोधक शक्ति अवश्य बढ़ाती है। यहाँ बचाव मैं ये और कहना चाहूंगा कि बच्चों को, बुजुर्गों को और जो व्यक्ति बीमार है, जैसे जिनको की ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज है या कैंसर से पीड़ित है या गुर्दे रोग से पीड़ित है, इन लोगों को इन बचाव के तरीकों से विशेष तौर से अवगत होना चाहिए और विशेष तौर से उनको अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को जल्दी पकड़ता है कोरोना, पर अगर इनको पकड़ता है कोरोना तो आमतौर पर घातक से हो सकता है। लोगों में ज्यादा मोर्टेलिटी होती है, ज्यादा तकलीफ होती है, तो इन बच्चों को, बुजुर्गों को और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, इन लोगों को बचाव के तरीके अच्छी तरह अपनाने चाहिए और घर में जितने लोग हैं लोगों को इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया किस तरीके क्या कोरोना वायरस होता है, क्या कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण होते हैं, कैसे इससे बचाव होना चाहिए, क्या इसका उपचार होना चाहिए और बचाव के मैंने आपको तरीके भी बताए। थैंक यू सर। मैं 2-4 जन भ्रांतियां हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी से वो करना चाहूंगा
और उसके बाद अगर कभी कोई प्रश्न आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो उसके बाद सर हम लोग प्रश्नों का इसके बस जस्ट बात लेंगे डॉक्टर यूसीगर साहब बोलेंगे उसके बाद शांतियां हैं जो जनउपयोगी हैं और लोगों के मन को शांति देंगी और उनके कई सवालों के जवाब भी दे सकती हूँ। तो मैं उनको फटाफट जल्दी से बता देता हूँ कि ये एक भ्रांति है कि जब ज्यादा देर तक हम मास्क पहनेंगे तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप चाहे जितनी देर तक लगाइए कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मास्क लगा के कसरत नहीं करनी चाहिए और जब भी कसरत करें तो मास्क हटा के करें। और दूसरी भ्रांति है कि भाई एक दफे कोरोना हुआ तो पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे। मान के चलिए ज्यादातर लोग कोरोना होने के बाद ठीक होंगे, ये हकीकत है। ज्यादातर लोग ओनली 1-2% लोगों में प्रॉब्लम आएगी। फिर जैसे हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं, उस अल्कोहल बेस्ड होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं भाई अल्कोहल से कोरोना का इलाज है तो क्यों ना अल्कोहल पी ले, तो वो चीज अल्कोहल पीने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही हो सकता है, हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अल्कोहल पीने से कोरोना को कुछ नहीं होगा। फिर जो हम लोग थर्मल स्कैनर लगाते हैं, यहाँ पर देखते हैं सामने लगा, आपने टेलीविजन वगैरह में देखा होगा कि एयरपोर्ट पर, बस स्टैंड्स पर, हॉस्पिटल के बाहर, डॉक्टरों के चेम्बर के बाहर थर्मल स्कैनर लगाते हैं, तो ये कोई टेस्ट नहीं है कोरोना का। आप सोच रहे हैं कि बंदूक लगा के देख रहे हैं कि डॉक्टर के कोरोना है कि नहीं। कई मरीज आते हैं हमारे पास कि डॉक्टर साहब वो बंदूक सी आती है ना, वो लगा के देखो कि हमें कोरोना है कि नहीं। तो उनको बताना पड़ता है कि ये जो है मात्र आपका बॉडी टेम्परेचर नापने की मशीन है, इससे कोरोना की कोई टेस्टिंग नहीं होती। ये मालूम पड़ता है कि आपको बुखार है कि नहीं, और जिन लोगों को बुखार होता है उनको चांसेस ज्यादा है आज के टाइम पर कोरोना होने के। तो ये थर्मल स्कैनर को कोई कोविड का टेस्ट ना समझे, ये सिर्फ थर्मल स्कैनर है। अच्छा, अब रही दवाई, बात दवाइयों की, कि कोई दवाई ऐसी है जो कि इसका ट्रीटमेंट कर सकती है या प्रिवेंशन कर सकती है। अभी तक कोई दवाई ऐसी सिद्ध नहीं हुई है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन की काफी चर्चा है, पर ये अभी विवाद में है। कुछ लोग प्रयोग करते हैं और कुछ लोग नहीं भी प्रयोग करते, दोनों तरीके के लोग हैं। तो इनफैक्ट हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन तो अगर वैसे ही आम जनता लेने शुरू कर दे तो नुकसान भी कर सकती है। तो बहुत सोच समझ के इन दवाइयों का प्रयोग होना चाहिए और बिना डॉक्टर राय के नहीं होना चाहिए। फिर काली मिर्च का, बहुत लोग चाय में आप काली मिर्च को कूट के डाल रहे हैं, तो इससे कोई प्रिवेंशन या उपचार का कोई वो नहीं है। ऐसे ही बीच में एक खबर व्हाट्सएप पर और न्यूज़पेपरों में काफी चली थी कि मच्छरों से फैलता है या मक्खियों से फैलता है, तो डीफॉगिंग शुरू हुई और DDT स्प्रे शुरू हो रहा है। तो ना तो ये मक्खियों से फैलता है ना ये मच्छरों से फैलता है, और मक्खी मच्छर मारने से सिर्फ क्लीनलीनेस रहती है, बाकी कोरोना पर रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं है। फिर ये हाइड्रोक्सी हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से जरूर सैनिटाइजेशन हो सकता है बाहर का, पर आप अपने ऊपर छिड़कें हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या सोचें कि उसका गार्गल कर लें, कुल्ला कर लें, तो वो नुकसान कर सकता है आपको। आप अपने शरीर पर ना लगाएं, अपने खाल पर ना लगाएं और ना ही उससे कुल्ला उल्ला करने की कोशिश करें। कई लोग बार बार जल नीति भी कर रहे हैं, ये सोच कि भाई नाक के जरिए कोरोना अंदर जाता है, तो बार बार नाक में पानी डाल रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं, मुंह से पानी पी के नाक से निकाल रहे हैं, तो इन सब चीजों का कोई खास उपयोग नहीं है, ना ही ये कुछ कर सकता है। फिर एक खबर और आई थी कि साहब चाइना में ये जो फैली है कोरोना वायरस, ये 5G नेटवर्क की वजह से है कि वहां 5G है और दुनिया में बहुत कम जगहों पर 5G है, तो जहां जहां 5G नेटवर्क है वहीं ये फैल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ 5G है वहां पर भी फैली है, और जहाँ 5G नेटवर्क नहीं है वहां पर भी कोरोना फैला है। फिर एक और भ्रांति है कि धूप में खड़े हो जाओ, गर्म कर लो अपने शरीर को, तो उससे आप जितने कोरोना आपसे चिपक रहे हैं वो सब मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको बताया कि कोरोना शरीर के बाहर जैसे आपके ऊपर चिपका कपड़ों पर लगा हुआ है, तो चाहे आप कपड़े को कितना भी गर्म कर लीजिए तो उसका कुछ नहीं होने वाला। आप धूप में खड़े होकर बेहोश हो जाएंगे पर उसका कुछ नहीं होने वाला। सर हम एक एक्सपर्ट और है हमारे पास, थोड़ा कर लेंगे भ्रांतियां, हम लोग दिखा चुके हैं WHO की, काफी हम लोग दिखाते हैं। ऐसे ही गर्म पानी का सेवन और निमोनिया की वैक्सीन BCG लगवाना, ये सब चीजें जो है अभी तक कोई इनका प्रूफ नहीं हुआ है। तो और ना ही एंटीबायोटिक के का जो कोई रूमर ऐसा हुआ है कि भाई एंटीबायोटिक खाते रहो तो आप कोरोना से वो कर सकते हैं, तो ना तो अभी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ना कोई प्रिवेंशन का इसका रोल आया दवाइयों का, ना कोई निमोनिया की वैक्सीन डेवलप जरूर की जा रही है और ऐसा कुछ नहीं है। समय की शॉर्टेज हो रही है और डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी ने कहा है, हमारे सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर गर्ग साहब बैठे हुए हैं तो वो भी बोलेंगे।
और बंद करने से पहले आखिरी लाइन में कहना चाहूंगा सर, आपको बंद नहीं करना है, अभी इंतजार करना है, सवाल आएंगे आपके लिए भी। वैसे आपने इतना सारा कर दिया कि सवाल है ही नहीं। गुजर जाएगा ये जमाना, ये दौर भी गुजर जाएगा, ये दौर भी जरा इत्मीनान रखें। ये गालिब का शेर है, गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान रखें। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना की लड़ाई से जीत हासिल करके निकल के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और जब भी कोई प्रश्न आएंगे तो मैं उसके लिए हाजिर। थैंक यू सर। डॉक्टर सियार रावत साहब ने मोर और लेस आपके उन सब सवालों का जवाब भी दे दिया होगा जो अब तक आपके दिमाग में घूम रहे थे, मैंने कुछ हाथ उठते हुए और बाकी वापस लेते हुए देखे। तो आज क्योंकि हम लोगों को लगातार ये पता चल रहा था कि जिस चीज को हम लोग बीमारी कहते थे, बार बार हाथ धोना, ऐसा लगता था कि एक आदमी हमारे घर पे है जो बार बार जाता है कमरे में और हाथ धो के वापस आ जाता है। ये सब ऑब्सेसिव बीमारियां जो थी जिनको कि हम लोग आज से पहले बीमारियों में कैटेगराइज करते थे, मुंह ढक के चलना, डर लगते रहना, इन सब चीजों को इतना ज्यादा हम लोगों ने खुद चाहा कि हम लोगों के अंदर आ जाएं, तो क्या ये सब साइकेट्रिक डिजीज को जन्म दे रही हैं, या हम लोगों का जो नुकसान होगा वो साइकेट्रिक डिजीज को जन्म देगा है, या आज के सब समय में इन चीजों को बीमारियों में नहीं क्लासिफाई किया जाएगा। इस बारे में मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर यूसी गर्ग साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा बताएं, और आज क्वेश्चन के लिए हो सकता है हम लोगों के पास 5-7 मिनट ही बचे, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा जनता से, हम लोग फिर से जुड़ सकते हैं इसके लिए। डॉक्टर यूसी गर्ग साहब। धन्यवाद डॉक्टर चतुर्वेदी एंड डॉक्टर रविंद्र मोहन पचौरी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, थैंक यू। दरअसल मानसिक रोगों की जहां तक हम बात करते हैं तो मानसिक रोग COVID-19 से पहले भी थे और COVID-19 के बाद भी हैं, या हम कहें कि हर युग में, चाहे वो द्वापर हो, चाहे वो सतयुग हो, कलयुग हो, सब जगह पे सभी युगों में मानसिक रोग रहते हैं। अगर आज हम बात करें, जो से आपने कहा है कि हाथ धोने वाली परेशानी या मुंह को ढक के चलने वाली परेशानी, क्या ये मानसिक रोगों का लक्षण तो नहीं है? तो मेरा कहना ये है कि मानसिक रोग जब हम बात करते हैं तो बहुत तरह के हैं, लेकिन मुख्यतः आज जो हम बात करना चाहेंगे मानसिक तनाव या मेंटल टेंशन या डिप्रेशन, इन दो विषयों, इन दो बातों पर ज्यादा गौर करना चाहेंगे, या इस पर ज्यादा हम अपनी बात को रखना चाहेंगे। दरअसल मानसिक तनाव क्या है? जब हम जो मस्तिष्क है, मानव का मस्तिष्क है या मानव का मन है, जब उस पर बोझ ज्यादा पड़ता है तो उसमें तनाव पैदा होने लगता है। तो जब प्री कोविड जब बात आती थी तो लोगों के बीच में एक होड़ थी पैसा कमाने की, अपना सामाजिक स्तर, अपना आर्थिक स्तर बड़ा करने की या अच्छा करने की, तो उस समय वो इतना व्यस्त रहता था कि उसको अपने लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता था, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाता था, और उस समय उसको मानसिक रोग बढ़ते जा रहे थे। तो उस समय जब बात आती थी, रोजाना हमसे लोग पूछते थे कि सब मानसिक रोग क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसकी कारण ये था कि प्रतिस्पर्धा बहुत है, भाग दौड़ बहुत है, जिंदगी में व्यस्तता बहुत है। आज जब लॉकडाउन में हम बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बोझ है दिमाग पे, उसकी वजह से भी दिमाग की बीमारी या मानसिक तनाव बन जाता है। तो ये जो पिछले दिनों में लॉकडाउन रहा है उसमें लोगों के बीच बड़ी आशा सी पैदा हुई है, जो मुझे पता चल रही है, मेरे पास जिस तरह से फोन आ रहे हैं या जिस तरह से फीडबैक हमारे पास आ रही है, उससे हमें ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन को लोगों ने जितने अच्छे मन से लेना चाहिए था वो नहीं लिया। लोगों को ये लगा कि ये लॉकडाउन हो गया, हमारी अर्निंग खत्म हो गई, हमारी अर्निंग बंद हो गई, तो हम सब कुछ खत्म हो गया हमारा, और आगे चल करके हम किसी लायक नहीं रहेंगे, ऐसा सोच लोगों का गलत है। हम इसे दूसरे रूप में देखें तो कभी कभी जब प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तो तब भी हम कुछ दिनों के लिए लोग अपने रोजी रोटी से छिन जा, हमारी रोजी रोटी छिन जाती है, या कहना चाहिए बंद हो जाती है, लेकिन उस समय हमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता जितना कि COVID-19 के दौरान लॉकडाउन में लोगों ने महसूस किया है। हमें इसके लिए दरअसल सकारात्मक सोच पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर। पिछले दिनों में हमने मीडिया पे देखा है कि कितना हवा जो है वो स्वच्छ हुई है, हमने देखा है नदियों का पानी स्वच्छ हुआ है, ये देखा है कि सहारनपुर से हिमालय की चोटियां दिख रही हैं, जालंधर से हिमालय की चोटियां दिख रही हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रकृति ने अपने नजदीक, या प्रकृति हमारे बहुत नजदीक आई है, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो हम लोगों को उस पॉजिटिव डेवलपमेंट को महसूस करना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए, तो हम हो सकता है कि आने वाले समय पे मानसिक रोगों से बचे रहें, या मानसिक रोग हमारे अंदर पैदा ना हो पाए।
बहुत से लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर अब रोजी रोटी छिन गई तो हम कभी भी ऐसे नहीं कर पाएंगे जैसे पहले कर रहे थे। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि पहले हम बहुत कमा रहे थे तो खर्चा भी अनाप शनाप कर रहे थे। पहले रोजाना हमारे घरों में बाहर का खाना आता था, पहले रोजाना हम घूमने फिरने जाते थे, रोजाना 50-60-100 किलोमीटर गाड़ी चलाते थे। अब हम गाड़ी भी कम चला रहे हैं, बाहर का खाना भी नहीं खा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीजें पॉजिटिव थिंकिंग अगर हमारे अंदर है तो हमें अच्छा महसूस करने के लिए काफी है। हमें ये बताती हैं कि भाई हम नेचर के नजदीक पहुंच गए हैं और नेचर के नजदीक जब हम रहते हैं तो कहा जाता है कि हमारी आयु लंबी होती है, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होता है और हमारे आपसी संबंध अच्छे होते हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है उसमें अपने आप को पॉजिटिव रखें तो हम जो प्री कोविड 19 जो दिमागी बीमारियों में हम फंसे चले जा रहे थे मुझे तो लगता है कि उससे हम बच पाएंगे आने वाले समय में। और मैं खुद भी महसूस कर रहा हूं कि बहुत से लोगों को मैंने महसूस किया जो मेरे इलाज में थे, अभी जो बात आती है वो बताते हैं कि साहब मुझे अब उतनी परेशानी नहीं है जितनी पहले थी, बस ये मुझे बताइए कि मैं दवाई अब क्या करूं, लेता रहूं या कम करूं या बंद कर दूं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं और पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी जो पुरानी बीमारियां थी वो कम हो रही हैं या घट रही हैं या बंद हो रही, खत्म हो रही। इस विषय में मैं और एक थोड़ी सी बात लोगों को कहना चाहूंगा कि हम इस पॉजिटिव जो पोस्ट कोविड टाइम है इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें। जैसे कि मैंने कहा है कि हम प्रकृति के नजदीक पहुंच रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें आपसी संबंधों पर ध्यान देना चाहिए और हमें कुछ सामाजिक कार्यों के प्रति भी अपने अंदर चेतना जागृत करनी चाहिए। ये चीजें अगर हम करेंगे तो और हम मानसिक रूप से सशक्त बनकर के निकलेंगे। मैं जहां तक समझता हूँ कि लोगों को ये भ्रम है कि पैसा नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है, लेकिन आगे आने वाले समय पर शायद वो धारणा बदल जाएगी कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, जान बहुत जरूरी होती है। तो जैसे कहते हैं कि जान है तो जहान है, तो मुझे लगता है कि अब अपनी जान पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमारे पास समय है और हमारे पास सोच भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि उनके क्या सवाल है जो कि मानसिक रोगों से संबंधित हो सकते हैं या वो कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछे। धन्यवाद। थैंक यू सर। काफी शॉर्ट में आप लोगों को सीधे तनाव की तरफ ले गए, तनाव से बचना, तनाव से में रहना, इसके बारे में जानकारी आपको दी डॉक्टर यूसिगर साहब ने। इसमें मेथड ये है क्वेश्चन पूछने का कि आप अपना हैंड रेस करेंगे नीचे से, मोर को दबा के आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, वो मुझे दिखाई पड़ जाएगा, मैं उसके बाद एक एक करके सवाल पूछने वालों के लिए सवाल देता जाऊंगा किस तरीके से। उसमें हाथ किसी किसी का मैं अगर आप कैमरे में उठाते हैं तो नहीं देख पाता हूं। डॉक्टर यूसिगर साहब ने जैसे बताया, बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी कि जो टेंशन्स जो आप खुद उसको पॉजिटिवली लें, मगर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि आप पॉजिटिवली लें और पहले नहीं लेते थे, अब कैसे लें? ये बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में भाई मैं तो एक ही चीज को, जिस चीज को मैं परेशान होता हूँ तो मैं परेशान होता चला जाता हूँ, दूसरा आदमी उसको देख के बिल्कुल परेशान नहीं होता। ये डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स हैं जो पाए जाते हैं लोगों में, तो क्या हम लोग इसको भी बिहेवियर को भी बदल सकते हैं अपने अंदर? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर यूसिगर बताएंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन लेना शुरू कर रहा हूँ। थैंक यू। देखिए डॉक्टर संजय, होता क्या है कि लोगों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है जिसको कहते हैं व्यक्तित्व होता है। कुछ लोग जरा जरा सी परेशानियों से घबरा जाते हैं, कुछ लोग बहुत सारी परेशानियों में भी अविचलित रहते हैं। तो लोगों को ये तो समझना होगा कि जो तुरंत ही जरा जरा सी बातों पर घबरा जाते हैं उनको थोड़ा सा अपने अंदर धैर्यता पैदा करनी पड़ेगी और धीरज पैदा करना पड़ेगा। और ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज से डरना किसी चीज का निदारण नहीं है, निवारण नहीं है। जैसे कहते हैं कि अगर कबूतर के आगे बिल्ली बैठी है और कबूतर ने सोचा कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, बिल्ली मुझे दिखाई नहीं दे रही है तो मुझे खाएगी कैसे, ये हमारी सोच गलत है, बिल्ली तो फिर भी खा जाएगी। तो इसलिए हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारे अंदर धीरज नहीं है, अगर हम अपने आप को धैर्यवान नहीं बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम मानसिक रोगों की गिरफ्त में आ जाएंगे। आज के टाइम पे लोगों के पास काम नहीं है, बहुत से लोगों के पास, बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा सब कुछ खत्म हो गया है। तो ऐसे लोगों को धैर्यवान रहना चाहिए और सोचना चाहिए कि जैसे प्राकृतिक आपदा में कुछ समय मिलता है लोगों को फिर से रिगेन करने का, ऐसा ही ये एक तरह की प्राकृतिक आपदा है जिसमें कि लोगों को समय मिलेगा रिगेन करने का। पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और अपने आप को व्यस्त रखें। व्यस्त रखने का तरीका दो है, या तो रोटी कमाएं उसके लिए व्यस्त रहें, या अपने शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करें उसमें व्यस्त रहें।
या सामाजिक या कोई रचनात्मक कार्य, पेंटिंग है, लिखा पढ़ी है, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखें तो आपके अंदर खालीपन नहीं रहेगा, और खालीपन नहीं रहेगा तो आपके अंदर बीमारी घर नहीं करेगी। हाँ, थैंक यू। मिस्टर राजीव गुप्ता अपना सवाल पूछेगा। मेरा सवाल है डॉक्टर यूसी गर्ग साहब से। जी, जैसे आपने बताया कि पहले लोग परेशान थे अपने बिजनेस को लेके, काम के बोझ को लेके, सामाजिक चिंताओं को लेके, जी, और अब उस तरीके से जो है COVID-19 के बाद वो समस्याएं खत्म हो गई हैं। वो समस्याएं जितनी भी मेरी बातचीत करके या सामाजिक दायरे से पता चल रहा है जी, वो खत्म नहीं हो गई हैं, वो सस्पेंड हो गई हैं, क्योंकि उन्हें जब जाना नहीं है ऑफिस तो ना पेमेंट देने की चिंता है, ना ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा है उसकी चिंता है, ना सरकार की चिंता है जी। लेकिन COVID-19 में उसके लिए एक अपने आप को एस्टेब्लिश करना, सामाजिक रूप से, व्यापारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, और उसी स्टेटस पे मेंटेन कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी साथ में एक चिंता है, क्या इस बीमारी से कब तक छूटेगा और अपने आप को कब तक बचा के रखेगा, ये है। तीसरी एक बात इसके अंदर और उठ रही है, जैसा आपने अभी ये कहा कि साहब व्यस्त रखो, ये जो दिमाग में जब कोई चीज घर कर जाती है तो आप जितना उसे हटाते हैं वो उतना आपके ऊपर हावी होती है। आदमी कितने टाइम तक तो फिजिकल एक्सरसाइज करे, और जनरली जिसे शौक होता है वो काम के टाइम पे भी पेंटिंग या लिखता रहता है, तो हर आदमी को शिफ्ट हो जाना उस काम पर या उस तरीके पे, सकारात्मक सोच ला पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे तो देखने पे ऐसे लग रहा है कि जो शिफ्ट हुई है प्रॉब्लम, वो COVID-19 में दूसरे तरह का मानसिक रूप बढ़ गया है, घरेलू हिंसा बढ़ रही है और आपसी मतभेद भी बढ़ रहे हैं। ये टोटल मेरी बात है, इसको हम कैसे जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसका क्या तरीका है कि जो COVID-19 को भी हम दूर कर सके और जो पुरानी समस्याएं हैं उनको भी मनोरोग से बचा सके। थैंक यू राजीव भाई। यूसी करिसान, राजीव जी मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, आपने जो बातें कही हैं, लेकिन मैंने जो बातें कही हैं उसमें थोड़ा सा संशोधन नहीं, मैं फिर से कहना चाहूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि वो समस्याएं जो प्री कोविड थी वो खत्म हो गई हैं, जैसे कि कमाई की भागदौड़ या लोगों में बोझ उसका। मेरा कहना यही था कि वो आज के टाइम पे नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में फिर से जब हम कमाने लगेंगे तो फिर से वो चीजें आने लगेंगी। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के बहुत सारे मामले बढ़े हैं, या लोगों में सकारात्मक सोच पैदा करना बहुत मुश्किल होता है, या ये कहें कि कितना आदमी अपने आप को व्यस्त रख सकता है जब उसके पास बहुत सारा काम करने कोई नहीं है, तो कितनी वो पेंटिंग कर सकता है या कितना वो और कामों में काम समय दे सकता है, या जिन लोगों को जुनून होता है, शौक होता है, वो तो काम करते करते भी अपनी पेंटिंग और लिखा पढ़ी कर सकते हैं। इन बातों से मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, लेकिन मेरा फिर से यहाँ पे एक बात कहना होगा कि जैसे सर्दियां जब शुरू होती है तो पहली जब सर्दी पड़ती है तो हम लोग बहुत कड़कड़ाते हैं, बहुत घबराते हैं, कहते हैं कैसे इस बार सर्दियों से बचाव होगा, पहले दिन ही इतनी जोर की सर्दी पड़ रही है। लेकिन 3-4 महीने हम बड़े मजे से उन सर्दियों के निकालते हैं, बल्कि एंजॉय करते हैं एक स्टेज के बाद में जाकर के उन सर्दियों को। ऐसे गर्मी जब पहले दिन पड़ती है अप्रैल के महीने में तो लगता है अरे अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है तो आगे क्या होगा, लेकिन वही चीज हम एडजस्ट करते हैं। तो हम लोगों को दरअसल कभी कभी परिस्थितियों के साथ एडजस्टमेंट करना होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, कि अगर हम परिस्थितियों के साथ एडजस्ट करते हुए चलते हैं तो जो परिस्थितियों की वजह से मानसिक रोग या जो भी परेशानियां आती हैं वो हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाएंगी। और यही मेरा कहना है फिर से कि परिस्थितियों के साथ हमें समझौता करना चाहिए। समझौता करते करते हम ये नहीं कह रहे कि आप उनके गुलाम बन जाएं या उनके आगे सरेंडर कर दें, परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप में बदलाव लाना चाहिए, और हमें लोगों के बीच में भी मैसेज देना चाहिए और खुद में भी ये मैसेज देना चाहिए, अपने अंदर भी ये बात ले जानी चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं, और जो हमारे अंदर अगर कोई हीनता या हमारे अंदर कोई डिप्रेशन जैसी बात पैदा होने जा रही है तो उसे हमें दूर करना है, चाहे आपसी माध्यम आपसी लोगों से बात करके या लोगों से सलाह लेकर के, या जैसे कि हम सब जानते हैं कि मानसिक रोग जो होते हैं वो हमें पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि पीछे की तरफ ना जाएं, अपने आप को व्यस्त रखें,
और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इंटरेक्शन करें, तो मैं समझता हूँ इस परेशानी से बचेंगे। थैंक यू डॉक्टर गणेश। हाँ बोलिए बोलिए। एक घरेलू हिंसा का जहां तक मामला है, मेरी लोगों से अपील है कि इस समय जब घर में हम ज्यादा टाइम रहते हैं तो आपस में जो कोई बोन ऑफ कंटेंशन है या जहां पे हमारे मतभेद हैं उन बातों को हम बात करें तो सही, लेकिन बहुत सकारात्मक सोच के साथ में। बल्कि ये बहुत अच्छा मौका है कि जब हम लोग घरों में हैं तो आपस में अगर लोगों के बीच में तनाव है तो उसको बातचीत के जरिए सुलझाएं। हालांकि आपने अभी कुछ समय पहले कहा था कि लोगों का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी इस तरह की होती है कि वो कोऑपरेट कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना हमारा काम है और प्रयास करते हैं। अगर अच्छी तरह से कहते हैं चींटी बार बार अगर प्रयास करती है तो ऊपर पहुंच जाती है गिरने के बाद भी, तो ऐसे ही प्रयास हमें करते रहना चाहिए और यही प्रयास करना भी एक सकारात्मक सोच की तरफ कदम होता है। थैंक यू डॉक्टर गर्ग। इसमें कुछ लोग लगातार आज की तारीख में, जैसे देवेंद्र धल साहब हम लोगों के बीच में है जो हम लोगों की हेल्पलाइन भी चला रहे थे, हम लोगों को भी लगातार कुछ ना कुछ परेशानियां मिल रही थी, तो देवेंद्र धल साहब हमारी हेल्पलाइन के क्वेश्चंस के बारे में भी एक आध क्वेश्चन पूछेंगे। उसके पहले मैं एक आध हाथ है तो उसको कर लेता हूँ, उसके बाद देवेंद्र साहब से कहूंगा कि वो क्वेश्चन पूछे। मगर बच्चों के घर पे लगातार रहने की वजह से माओं को बड़ी परेशानी हो गई थी, अब उसको बचाने के लिए किस तरीके से सोल्यूशन निकाला जाए कि बच्चे भी खुश रहें और अम्मा बाप भी खुश रहें, उसके लिए आपका कोई सजेशन हो बताइए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन। मेरा कहना ये है पेरेंट्स से कि बच्चों के साथ जैसे पहले हम लोग कहानियां सुनाते थे, गाने होते थे मिलकर के, शाम अंताक्षरी होती थी या और जो गेम्स होते थे जैसे लंगड़ी टांग होती थी और घर में बहुत सारे तरह के खेल हुआ करते थे पहले, उस तरह के खेलों में इन्वॉल्व फिर से हो जाएं। और इसके अलावा जो बाकी के चेस हैं या लूडो हैं या जो और गेम्स होते हैं बैठने के, उनको हम जरूर करें। और सबसे ज्यादा अच्छी बात होगी कि हम बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें दें, जो पहले जैसे पंचतंत्र की कहानियां होती थी या बहुत सारी किताबें हैं, प्रेमचंद के उपन्यास हैं या जो जिनका कि समाज से जुड़ाव है, ऐसे उपन्यास जिनका कि समाज से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, जीवन से जुड़ाव है, ऐसी किताबें हमें निकाल लेनी चाहिए। और ये मौका है बच्चों को पढ़ाने का, साथ में उनका अपना जो करियर की किताबें हैं, जो उनकी पढ़ाई की रेगुलर की किताबें हैं वो भी पढ़ें, लेकिन इसके अलावा उनको के साथ में आप जरूर उनकी। सर थोड़ा पीछे का रह गया है। अगला सवाल डॉक्टर चतुर्वेदी। हाँ सर, मैं अगला सवाल पूछने से पहले आपकी आवाज थोड़ी कट गई जी, थोड़ी कट गई। अब कहना ये था कि बच्चों के साथ में पेरेंट्स की, मेरे कहना ये होगा कि वो बच्चों को वो वाली किताबें पढ़ाएं जिनका सीधा समाज से और जीवन से संबंध है, जैसे प्रेमचंद की कहानियां हैं या प्रेमचंद के उपन्यास हैं या बहुत सारे उपन्यास हैं जिनको हम जानते हैं कि जिनका सीधा सीधा जीवन संबंध है। और ऐसे गेम ऐसे खेलते थे घर में जो जिसमें कि अंताक्षरी है जी सर, वो वाला पोर्शन आ गया था, फिजिकल एक्सरसाइज वाले जी। थैंक यू सर। मतलब बिल्कुल बेसलाइन ये है कि बच्चों किसी ना किसी तरीके से आप किसी चीज में एंगेज करते तो शायद उनसे आपका मानसिक तनाव बच पाएगा। एकता भल्ला जी, जी जी सर, मैं मिसेज एकता भल्ला जिनका सवाल पूछने के कह रहा हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्योंकि बहुत घर के काम में हमें टाइम बहुत लगता है और हमारा साथ में अगर हम वर्किंग हैं तो अपना काम भी है, तो फैमिली मेंबर्स के लिए काम करते करते डिस्टेंस मेंटेन करना और खुद के लिए टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि घर में डिस्टेंस मेंटेन करने की कभी किसी ने नहीं कही है, आपस में ऐसे तो कोई एक दूसरे के पास नहीं बैठेगा, ऐसा तो कहीं पे भी कोई नहीं कह रहा है। घर में डिस्टेंसिंग की बात नहीं है, डिस्टेंसिंग जब आती है जब आप किसी अनजान व्यक्ति से या बाहर कहीं किसी से मिलते हैं तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। अगर आप बच्चे के साथ में बैठी हुई हैं सोफे पे एक साथ तो इसके मतलब उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है, पहली बात। लेकिन ये तय है कि आपका जो काम है या आप वर्किंग है, और कोविड 19 से पहले आप वर्किंग की तो ऑफिस में भी काम करती थी और घर में भी काम करती थी, और आज की तारीख में आपको घर से ही वो काम करना पड़ रहा है प्लस आपके घर के अपने कोरस है, तो देखिए ये चीज तो ऐसी है कि आप काम को कितना एंजॉय करते हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने ऑफिस वर्क को एंजॉय करते हैं तो आपको कोई तनाव नहीं होगा,
होगा, लेकिन आप अपने ऑफिस वर्क को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है, तो जाहिर सी बात है कि पहले घंटे से ही आपको तनाव शुरू हो जाएगा। तो हमें जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हम एंजॉय करें। जैसे कि कहते हैं कि घर के कामकाज में लेडीज को अचार बनाना है या बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें कि बहुत अच्छा लगता है और वो एंजॉय करती हैं उन कामों को करना। तो ऐसे ही घर के जितने भी कोरस होते हैं उन्हें हमें करना है और उनको एंजॉय करना है हमें। जब हम एंजॉय करते हैं तो हमें कभी कोई थकान नहीं महसूस होती और कभी हम उसकी वजह से परेशान नहीं होते हैं और बल्कि काम को अच्छी तरह से हम करते हैं। ऐसे ही ऑफिस के वर्क को और थोड़ा सा सामंजस्य तो हमें बनाना पड़ेगा अपने काम के बीच में, प्लस हमें सामंजस्य बनाना पड़ेगा अपने परिवार और अपने बीच में। अगर हम ये सामंजस्य नहीं बना पाएंगे तो हम एक अच्छे या कहना चाहिए सफल नागरिक या सफल व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सफलता हमारे हाथ में तभी आती है जब हम अच्छी तरह से सब चीजों में बैलेंस करके चलते हैं, काम का बैलेंस, रेस्ट का बैलेंस। अगर हम काम ही काम कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बैलेंस नहीं रहेगा तो हम मानसिक तनाव में आ जाएंगे। तो हर चीज में हमें बैलेंस चाहिए। तो ऐसे ही घर में हमें बैलेंस करना है और बच्चों के साथ बैलेंस ये है कि आप बच्चों को कुछ इंडिविजुअल वर्क भी दे सकती हैं, बच्चों को एक सामूहिक काम भी दे सकती हैं और बच्चों के साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है इन सब के लिए हमारे पास बहुत समय है। हाँ, प्री कोविड में जरूर हमारे पास समय कम था, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत अच्छा समय है और हमें इस समय को रीअलाइन करना है। हमें रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा तभी हम प्रॉपर तरीके से आगे आने वाले समय में, क्योंकि कोविड कोई 10-15 दिन का नहीं है, कोई 2-4 महीने का नहीं है, ये सालों चलेगा, हो सकता है 2 साल चले, हो सकता है 5 साल चले। तो हमें इसके साथ में रहना सीखना पड़ेगा और इसके साथ में रहते हुए हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। धन्यवाद। डॉक्टर चतुर्वेदी कहीं बिजी है, डॉक्टर संजय चतुर्वेदी मुझे लगता है कहीं बिजी है। जब तक मैं राजीव गुप्ता सर से, डॉक्टर राजीव गुप्ता का एक क्वेश्चन आया है, मिस्टर राजीव गुप्ता जी का जी। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कहीं क्वेश्चन लें। राजीव गुप्ता भाई, भाई राजीव गुप्ता बोलिए प्लीज। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था जी कि अभी जैसे मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ, एक प्रोफेसर डॉक्टर नवीन गुप्ता है जी, वो आपकी तरह ही मनोचिकित्सक या मॉडरेटर स्पीकर टाइप है हिंदुस्तान कॉलेज में। उनके माध्यम से मैंने जो है अभी 4-5 केस जो है सॉल्व कराए हैं जी, जो कि काफी तनावपूर्ण थे जी। तो उनका मेरे पास अभी 4-5 दिन पहले एक प्रपोजल आया था कि राजीव भाई, जैसे ही ये COVID-19 थोड़ा सा नॉर्मल रिलैक्स होगा तो बहुत सारी जो है फैमिली बिजनेस और सामाजिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और उस वक्त ऐसा हम सोच रहे हैं कि जब लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे या बिजनेस नहीं चलेगा या जिस तरीके से नौकरियां छूट रही हैं, है? बंच के बंच छूट रहे हैं, इस वक्त उसे मानसिक तनाव से निकालने के लिए को अपने लोगों को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि हम लोग 5-5, 10-10 के बैच लगा के फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें सामाजिक तरीके से सुदृढ़ बनाए। तो क्या आप सोचते हैं वो ऐसा होने हो सकता है और ऐसा करना चाहिए, या इसमें क्या सुधार हो सकता है, या IMA हमारी को इसमें क्या मदद कर सकता है? ये मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ और ये बहुत अच्छी बात आपने उठाई है और ये मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा ज्वलंत समस्या होगी जो आपने बताई है, और मैं इस बात से इत्तेफाक भी रखता हूँ। लेकिन ये चीज जो है वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ NGO के माध्यम से या आपके माध्यम से या मेरे माध्यम से रिजॉल्व हो पाएगी या सॉल्व हो पाएगी। दरअसल सरकार की जो प्लानिंग है, जिस तरह से मैं महसूस कर पा रहा हूँ, वो ये है कि जो लोग प्रवासी मजदूर जो अपने अपने गांव में पहुंच गए, तो अब मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए हमें गांवों में ही कुछ रोजगार सृजित करने पड़ेंगे, जैसे मनरेगा है या और बहुत सारे रोजगार, या बहुत सी जो सरकार की जो पॉलिसी जो बन के आ रही है वो ये है कि अब जैसे पहले तो पलायन इसलिए होता था कि गांव में कोई काम नहीं होता था और अच्छी तनख्वाह नहीं या अच्छा पैसा नहीं मिल पाता था उन लोगों को मजदूरी के बदले में। तो शायद आगे आने वाले समय पर सरकार की ये भावना रहेगी कि इन लोगों को जो लौट करके आ गए हैं उनको वहीं के वहीं काम मिले और अच्छी रोजगार मिले या अच्छी मजदूरी मिले। जहां तक शहरों में सवाल है कि जिन लोगों की नौकरियां जा रही हैं और जिनके पास गांव में पलायन या गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसमें निसंदेह जैसे आपने कहा है कि कुछ NGO जो इस पर दिशा में काम करना चाहते हैं या करेंगे, वो लोगों की एक भूमिका रहेगी। और हम लोग जो कि
किसी भी तरीके से अभी तक सामाजिक कार्य करते रहे हैं उन लोगों की कहीं ना कहीं भूमिका इसमें आएगी। और ये बिल्कुल सही है कि आने वाले समय पे प्रबुद्ध लोगों के बीच में या जो समाज सेवी लोग हैं या जो लोग समाज के प्रति जिम्मेदार लोग हैं उनमें ये सवाल जो आपने उठाया है बहुत ज्यादा अपने आप में घूमेगा और लोग इस पे बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। जहां तक IMA का सवाल है, IMA तो लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत कर सकती है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर सकती है। किसी को जॉब देना मैं नहीं समझता कि IMA का काम है या IMA कर पाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सर IMA की तरफ से बताने के लिए। मैं डॉक्टर पंकज नगायत जो हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं IMA के, मुझे लगता है इनके पास काफी इस तरह के सवाल आ चुके हैं तो बस उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा शॉर्ट में सवाल पूछ लें। सर मैं एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा पूछा गया वो मैं पूछना चाहूंगा कि ओवर यूज ऑफ गैजेट्स जैसे कि मोबाइल है, लैपटॉप्स है, टैबलेट्स हैं, ये जो हो रहा है और विशेष रूप से क्योंकि बच्चे आजकल घरों में ही हैं और ये टीवी तो चलिए एक अलग माध्यम हो गया, लेकिन गैजेट्स का ओवर यूज क्या मेंटल एलिमेंट्स को बढ़ा रहा है? ये बिल्कुल सही है कि जो गैजेट्स का यूज है वो मिसयूज हो रहा है दरअसल, क्योंकि इस समय पे लोग अगर कहते हैं कि हम खाली हैं इसलिए उसको यूज कर रहे हैं तो ये सोच गलत है। दरअसल गैजेट्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए, यूज करना चाहिए मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को भी लोगों को ये राय देनी चाहिए कि अगर जरूरत है तो इंटरनेट चलाएं, नहीं जरूरत है तो क्यों फिजूल में उस पर सर्फिंग करें। तो इन सब चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा, अन्यथा चूंकि अभी काम की हमारे पास बहुतायत नहीं होगी, हम बहुत बिजी नहीं होंगे तो अननेसरली अगर हम इस गैजेट्स में फंसे रहेंगे तो मानसिक तनाव हमारे बढ़ेंगे और मानसिक तनाव में सबसे ज्यादा जो बढ़ेंगे वो आपसी मन मुटाव बढ़ेगा या आपसी झगड़े बढ़ेंगे या कहना चाहिए चिड़चिड़ापन लोगों के बीच में बढ़ेगा। तो मेरी राय होगी पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाएं कि ये मीडिया का क्या यूज है और किस तरह से यूज करना है। ये बिल्कुल सही बात है जो आपने उठाई। थैंक यू सर। डॉक्टर सी आर रावत साहब, लगातार हम लोगों को क्वेश्चंस बहुत कॉमनली मिले हैं जिस क्वेश्चंस में सब्जियों का इस्तेमाल किस तरीके से करें, किस तरीके से उनको सैनिटाइज करना है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें एक मिनट में तो वो प्लीज बताएं। डॉक्टर रावत साहब, सर आपका अनम्यूट करना होगा, मैं अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं, बस मैं कर रहा हूं। नहीं मैंने रिक्वेस्ट कर दिया सर ने कर दिया। हेलो, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने चतुर्वेदी साहब। और सब्जी लेना, सब्जी को सैनिटाइज करना, सब्जी का प्रयोग करना, ये एक प्रॉब्लम है, रोज दिनचर्या की बात है। तो डायरेक्ट जो है जो भी सब्जी वेंडर है उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आना चाहिए, जिस टाइम सब्जी खरीदने जाए तो उस टाइम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। और सब्जी जो है एक पॉलीथीन की थैली में लेकर आए, अलग से प्लास्टिक की थैली में लेकर आए और घर में अंदर आने से पहले बाहर ही उसकी अच्छी तरह सफाई होनी चाहिए, रनिंग वाटर से धोना चाहिए और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से धो के फिर धूप में सुखा के तब उसको घर के अंदर ले जाना चाहिए। हाँ, जब वो सब्जी धोते हैं तो फिर उसके बाद अपने जो हाथ संक्रमित होने की संभावना है आपको अपने हाथ भी सैनिटाइज करने पड़ेंगे, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और सब्जी वेंडर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खास तौर से महिलाओं को जो वो होता है कि भाई आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसका लेन देन और वो सब चीजें, फिर मनी का जो ट्रांसैक्शन होता है वेंडर के संग वो कम से कम अवॉइड करें। वो जो है वैसा या तो कार्ड से या पे फोन से या पेटीएम से फोन का वो करें और ज्यादा जो करेंसी है उसको हाथ ना लगाएं, इन सब का ध्यान रखें। थैंक यू सर। देवेंद्र दल साहब, आई एम सॉरी, बहुत लास्ट में आपसे फिर कह रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन पूछें प्लीज। सर नमस्कार सर, मेरा डॉक्टर गर्ल्स सर से एक सवाल है सर कि जैसे जो अकेले रिटायर्ड सीनियर सिटीजन दंपत्ति हैं उनको अपने COVID-19 के कारण अपने जो उनके जो सीमित स्रोत इनकम के हैं, जैसे इनकम किसी की इंटरेस्ट इनकम है या रेंटल इनकम है, उन पर दबाव होता नजर आ रहा है तो उससे वो प्रेशर में आ रहे हैं सर। तो वो नॉर्मली वो यही सोचे कि आगे खर्चे कम करके बराबर कर लेंगे या और कोई रास्ता आप बताते हैं? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि देखिए जो कोविड प्री कोविड टाइम में हम लोगों के खर्चे बहुत थे, फिजूल के हम लोग बाजार से सामान मंगाते थे, फिजूल में हम बाहर घूमने जाते थे, बहुत सारी चीजें जो अननेसेसरी खर्चे थे वो आज के टाइम पे कम हुए हैं, कमाई के स्रोत भी कम हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी तो कमाई लगभग उतनी ही है जो पेंशन मिलती थी या जो भी स्रोत रहे होंगे कमाई के। तो मुझे ये लगता है कि उनको अपने खर्चों में सीमित
कमी लानी चाहिए और इस बात से परेशान नहीं होना चाहिए कि साहब आगे आने वाले में समय में क्या होगा। देखिए आज के टाइम पे हमारे खर्चे कितने कम हो गए हैं कि घर में सब्जी दाल रोटी बनती है, दाल चावल बनता है, इतने से ही काम चल जाता है। पहले रोजाना या एक दो दिन छोड़ करके जलेबी बड़ी आती थी या बाजार का खाना आता था, पिज्जा आता था, जाने क्या क्या फिजूल की चीजें आती थी। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरा हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो पहले फिजूल के खर्चे और भी थे, बाजार में जाते थे और विंडो शॉपिंग करते थे, हम लोग विंडो शॉपिंग करते थे, फिजूल में गए दो शर्ट खरीद लाए, एक साड़ी खरीद लाए, ये सब चीजें कम हो जाएंगी आने वाले समय पे। तो निसंदेह हम लोगों के खर्चे कम हो जाएंगे। तो लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए कि अगर हमारी आमदनी कम हुई है तो हमारे खर्चे भी कम हुए हैं। हमें ये मानना चाहिए कि खर्चे हमारे कम हुए हैं, ये नहीं सोचिए कि खर्चे कम कर लेंगे हम, हमारे खर्चे निसंदेह कम हुए हैं। तो इसलिए ये अच्छी बात है, परेशान न हो इस बात से लोग के हमारी अगर आमदनी कम हो गई है तो हम कैसे जिंदा रहेंगे या कैसे हम अपने आप को कोप कर पाएंगे, निसंदेह खर्चे कम हो रहे हैं। थैंक यू सर। अच्छा है कि अच्छा है कि हम लोग आर्थिक मंच पे नहीं है, नहीं तो सारे खर्चे बंद करा देने के बाद बिजनेस को खत्म कराने की तरफ ले जाएंगे। रिटायर्ड पर्सन की इनकम कम होने का कारण एक इंटरेस्ट रेट भी कम होना है, जो कि अभी रिसेंटली काफी चेंज होने के बाद हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट पे काफी रिटायर्ड पर्सन डिपेंड करते थे। दल साहब शायद एक सवाल और पूछना चाह रहे हैं, तो मैं बस इसका रिक्वेस्ट करूंगा जितना जल्दी 11:05 पे मैं एंड कर दूंगा इसको। जी सर, वो सारा सारे सबको कवर कर लिया सर, बुजुर्गों को, लेकिन युवाओं के बारे में बस एक चलती से मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ डॉक्टर गर्ग से, कि जिनके ऊपर आर्थिक प्रेशर है, जिनकी नौकरी जाने का खतरा बना हुआ है, और वो उनको कैसे इंस्पायर करें कि भाई वो डिप्रेशन में ना आए, यंगस्टर्स की बात है। ये बिल्कुल आपका सवाल है जो कि बहुत ज्वलंत सवाल है, और इसके लिए वाकई में हम सब लोगों को बहुत ढंग से बैठ करके सोचना पड़ेगा, जिसमें कि समाज के लोगों की, एनजीओ की और सरकार की भागीदारता की जरूरत है, भागीदारी रहेगी, जिसपे कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड वर्ग है वो युवा वर्ग है, जो आपने बताया है, उसकी नौकरी न जाए, अगर जाती है तो उसके लिए कोई अल्टरनेट साधन हो कि वो अपने को तुरंत बिजी करे या कहीं काम तो इस तरह से करे कि उसकी इनकम का जरिया बने। तो हमें बिल्कुल इस पर ध्यान देना होगा, हमारी ये महती जिम्मेदारी होगी कि हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। लेकिन अब जब तक कि हमारे पास कुछ नहीं है कहने को, तो हमारी उन लोगों से अपील होगी कि ऐसा नहीं कि कोविड अगर आ गया है तो ये जिंदगी भर रहेगा हमारे। अगर हम 50 साल जियेंगे यहाँ से आगे आने वाले समय पर, तो इसके मतलब ये नहीं कि 50 साल तक हम बेघर रहेंगे, कहीं ना कहीं साल दो साल या साल 6 महीने में या 5-6 महीने में हमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, और हमें खुद अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरह से हम अपॉर्चुनिटी गेन करें या अपॉर्चुनिटी पैदा करें, जिससे कि हम अपने आप को फिर से कहीं ना कहीं आर्थिक ढांचे में इन्वॉल्व करें। ये दोनों की जिम्मेदारी होगी, समाज की भी और सरकार की भी। इसलिए मेरा लोगों से अपील है कि एकदम इस समय घबराएं नहीं, एकदम हताशा में न जाएं कि आज उनका जॉब छूट रहा है तो कल उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें कल जरूर जॉब मिलेगा, और सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और समाज के लोग भी जो कि इससे जुड़े हुए हैं वो भी गंभीरता से इस पर मनन कर रहे हैं, ऐसा मेरा सोचना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन रंजन शर्मा साहब का है सर, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आईएमए कुछ करेगी? इम्यूनिटी आपकी बढ़नी है, आईएमए से जो आप सपोर्ट चाहेंगे वो करने को लिए तैयार है, उस काम के लिए अगर आप कुछ बताते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आईएमए को ये करना चाहिए तो वो कर सकते हैं, मगर ये जो इम्यूनिटी की बात डॉक्टर रावत ने करी थी उसमें आपको खान पान का बदलाव, अपने काम करने के तरीके में बदलाव, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इंटरनल कोई डिजीज ना रखी जाए, डिजीज से बचा जाए तो ही बेस्ट है, ये मोर ऑर लेस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको खुद ही करना है, आईएमए आपको हर चीज में सपोर्ट करने को तैयार है। मोबाइल फोन और मनी के लिए सैनिटाइज करने के बारे में एक सवाल है, जिसके बारे में मेरा ख्याल यह है कि सैनिटाइज करना उन हर चीज को जरूरी है जो कई हाथों में जाती है, मगर जैसे मोबाइल फोन अगर आपके पर्सनल यूज में रह रहा है, लगातार आपके पास रह रहा है, तो सैनिटाइज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ले जाके उसको बाहर कहीं रखते हैं, दूसरा आदमी आपका मोबाइल फोन यूज करता है तो उसका सैनिटाइजेशन जरूरी है, जिसको आप एल्कोहल बेस उससे सैनिटाइजर से कर सकते हैं। मेरा ख्याल है ये सारे सवाल खत्म हो गए हैं। थैंक यू। राजीव भाई का सवाल फिर से मैंने हाथ देखा था, मगर उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार हम लोग पूरा करेंगे। हम लोग 11:05 में पहुंच चुके हैं। डॉक्टर रविवन पचौरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली क्लोज दी सेशन। धन्यवाद धन्यवाद संजय जी। जैसा सर आप चले गए थे द्वारा, बोलिए। धन्यवाद संजय जी। जैसा आपने हर रात के बाद दिन आता है
और हम लोगों को आशावादी रहना चाहिए। ये डेफिनेट है कि कोविड के बाद सोशल और प्रोफेशनल रीस्ट्रक्चरिंग होगी, समाज इसके प्रति जागरूक है, जागृत है, हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, लेकिन एक बात से आप लोग आश्वस्त रहें कि भविष्य तो हमारा सुनहरा है और रात के बाद दिन आना ही है। धन्यवाद आप लोगों को, नेक्स्ट संवाद के लिए हम लोग बहुत जल्दी दोबारा आमंत्रित करेंगे। थैंक यू सर, एक हाथ फिर मैं लगातार पहली बार देख रहा हूँ, इसलिए मैं उनको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि वो अपना सवाल पूछ लें। मिस्टर कमल हैं, आप पूछना चाहते हैं कुछ? केवल हाथ गलती से उठाया, मेरा ख्याल है गलती से उठा है। थैंक यू वेरी मच। हम आप सब लोगों के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों ने आई एम ए को ये मौका दिया कि आपको सर्व कर सके, इसके लिए धन्यवाद। मैं मीटिंग एंड करता हूँ। थैंक यू यूसी गर्ग साहब, थैंक यू रावत साहब, थैंक यू। अगली मीटिंग सोमवार को है, अगले सोमवार को अगली मीटिंग होगी 10 बजे, इसी जगह उसका लिंक वैसे ही भेज देंगे जैसे भेज रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।